पबजी मोबाइल के फैंस बड़ी बेसब्री से जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे वो घड़ी अब आ चुकी है। जी हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ पबजी मोबाइल के कमबैक की। 6 महीने की इस बैन के बाद हमें आखिरकार क्राफ्टन से कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट मिली है कि पबजी मोबाइल जल्द ही इंडिया में वापस लॉन्च होने वाला है। अब तक आपने टीजर तो देखा ही होगा और जानते होंगे कि ये गेम बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया इस नए नाम से लॉन्च होने वाला है। अब नाम के अलावा और क्या क्या बदला है ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी का किल चुराए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस पहले बात करते हैं उन चीजों के बारे में जिनकी वजह से गेम बैन हुआ था और अभी उनमें क्या चेंजेस आए हैं। तो इसे बैन किया था ये कि ये बहुत ही एडिक्टिव और वायलेंट गेम है जिससे छोटे बच्चों के दिमाग पे बहुत बुरा असर हो सकता है। और दूसरा कारण था चाइनीज कंपनी के साथ कनेक्शन और डेटा प्राइवेसी। अब इसके लिए उन्होंने काफी सारे चेंजेस किए। पहले तो उन्होंने ब्लड रेड कलर के हीट इफेक्ट को रिप्लेस किया ग्रीन कलर से। दूसरी बात, उन्होंने 18 साल के कम उम्र के प्लेयर्स के लिए एक दिन का गेम प्ले 3 घंटे तक लिमिट किया है और उनके इन गेम आइटम्स परचेस करने के लिए 7,000 रुपए का लिमिट रखा है। इसके अलावा उनको गेम खेलने के लिए अपने माँ बाप का फोन नंबर भी देना होगा। अब रही बात चाइनीज कनेक्शन की, तो उन्होंने चाइनीज कंपनी टेंसेंट के साथ सभी कनेक्शन तोड़ दिए हैं और प्लेयर्स के डेटा को वो अभी इंडिया और सिंगापुर में स्टोर करने वाले हैं। तो गाइस बैटल ग्राउंड्स मोबाइल के अनाउंसमेंट के बाद सबके मन में एक ही सवाल उठा है कि हमारे पुराने अकाउंट्स का क्या? क्या हमारे पुराने अकाउंट्स का डेटा और अचीवमेंट सब हमें वापस मिलेगा? तो इसका जवाब घातक नाम के एक प्रोफेशनल प्लेयर ने इंस्टाग्राम पे दिया। उसने कहा कि सबको उनका डेटा वापस मिलेगा और उनका प्रोग्रेस भी कंटिन्यू होगा। अब ये एक अच्छी खबर है, खास करके उन लोग को जिन लोग ने इस गेम में स्किन्स और रॉयल पास पे बहुत सारा पैसा खर्च किया था। तो गाइस सभी फैंस अपने फेवरेट बैटल रॉयल गेम का देसी अवतार खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। और जैसे कि इसके चाइनीज वर्जन में एक्सक्लूसिव चाइनीज कंटेंट देखने को मिलता है, वैसे इसके इंडियन वर्जन में आपको इंडियन थीम और एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने को मिलेगा। ये बात आपको इसके टीजर और पोस्टर में देखने को मिलता है। आप भी इस गेम के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो गाइस इस गेम का ग्लोबल वर्जन अभी भी चाइनीज कंपनी टेंसेंट के पास है और इसीलिए इंडियन प्लेयर्स इसके ग्लोबल ई-स्पोर्ट टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकते। और यही बात ध्यान में रखकर उन्होंने जैसे इसके चाइनीज वर्जन के लिए किया है, वैसे ही इंडियन वर्जन के लिए अलग से ई-स्पोर्ट टूर्नामेंट रखने का सोचा है जो सिर्फ इंडिया के लिए लिमिटेड होगा। अब आप बोलोगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन ये गेम रिलीज कब होगा? तो गाइस रिलीज डेट के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, सिर्फ कमिंग सून कहके छोड़ दिया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये गेम जून में रिलीज होगा और क्राफ्टन ने गेम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक लोगो रिवील का वीडियो डाला था जिसमें आपको एक लेवल 3 का हेलमेट दिखाई देता है जिसके पीछे सूरज जैसी कोई एक लाइट है। अब ये थोड़ा बहुत सोलर एक्लिप्स जैसा दिखता है और इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि ये गेम सोलर एक्लिप्स के दिन रिलीज होगा और अगला सोलर एक्लिप्स 10 जून को है। तो हो सकता है कि ये सच में रिलीज डेट का एक हिंट हो और गेम उसी दिन रिलीज हो जाए। अब रिलीज डेट की बात तो पता नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इस गेम के लिए प्री रजिस्ट्रेशन भी होगा। प्री रजिस्ट्रेशन की लिंक उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी और शायद गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर पे भी आप प्री रजिस्टर कर पाओगे। अब प्री रजिस्ट्रेशन कब शुरू होंगे ये भी पक्का नहीं है, लेकिन उनके हिसाब से इस महीने के एंड तक शुरू हो जाएंगे। तो गाइस ये सब सुन के आप सभी लोग को पता चल गया होगा कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या नहीं आने वाला है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आप सभी लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।